एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन माना जाता है ये, 0 से 9 1/1 + √x। अब सोचिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/1 + x² का। 1/1 + x² अगर ये रहता तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाता 1/a² + x² में। यहाँ पर किसी भी तरह से मुझे स्क्वायर क्रिएट करना है, लेकिन ये तो पहले से रूट में है। मैंने क्या सोचा कि रूट एक्स की जगह पर कोई चीज स्क्वायर में रहता, यानी स्क्वायर में तो टी ही रहता, क्योंकि हम पहला अक्सर जो है टी लेट करते हैं। जरा सोच के देखते हैं कि अगर रूट एक्स को मैं टी स्क्वायर से रिप्लेस करूं, तो इसका मतलब जरा इसका भी होल स्क्वायर करके देखिए। कई बार ऐसा होता है कि जो हम पुट करते हैं डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट डायरेक्ट उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। सोचते समय हमने तो यही सोचा था कि यहाँ पर अगर ये एक्स स्क्वायर रहता तो 1/a² + x² का फॉर्मूला लगता। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने रूट एक्स को टी स्क्वायर लेट किया। यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, यहाँ पर का रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो x = t⁴ आ गया। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 t⁴ का 4t³, और चूंकि t है dt/dx आएगा। dx को हमने इधर भेज दिया तो dx = 4t³ × dt आ गया। अब बात करते हैं लिमिट की। x की जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो 0 का रूट अंडर 0 ही होगा, t = 0 आएगा। और x की जगह पर जब 9 पुट करेंगे तो रूट अंडर 9 3 आएगा, 3 = t², तो t की वैल्यू हमारी √3 आ जाएगी। ये तो हो गया लिमिट चेंज। क्वेश्चन जो था हमारा 0 से लेकर 9 1/1 + √x dx था, लिमिट चेंज किया गया था तो 0 से √3 बना था। 1/1 + √x को देखिए, हमने t² बोला था, और ये dx जो है 4t³ × dt बना था, है। इसके बाद अगर इसको ढंग से देखें तो यहाँ से 4 जो है बाहर निकल गया, हमारा लिमिट 0 से √3 t³/1 + t²। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा है, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, डिवाइड का केस बनता है। डिवाइड जब करेंगे तो यह हमारा t - t/1 + t² आएगा। इसे लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड से डिवाइड करके जब सेपरेट किया जाएगा तो ये आएगा। अब ये इंटीग्रेशन का साइन जो है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमारा बाहर में 4 इंटीग्रेशन 0 से √3 t dt -4 इंटीग्रेशन 0 से √3 t/1 + t²। इसे हम अब I1 और I2 बना देते हैं। ये तो आप आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से सब्स्टिट्यूशन का केस बन रहा है, इसलिए हमने फिर इसको फर्दर I1 और I2 में बांट दिया। ये तो आप सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करते समय आप जब इस तरह से लिख कर सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 + t² को आप वी लेट कर लेना। 1 + t² को वी लेट करते ही जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0, t² का 2t, और v का dv/dt, dt को इधर भेजना है, 2 को इधर बुलाना है, तो t dt = dv/2 आएगा। यहाँ पर देखिए t dt जो है हमारा dv/2 में बन जाएगा, और ये 1 + t² आपका v है तो ये 1/v बनेगा। 1/v को तो आप आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। लिमिट चेंज करना ना बोले यहाँ फिर से, क्योंकि इस t वाले को आप v में चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट भी चेंज करिए, फिर सॉल्व करिएगा। ये सॉल्व करके आपका I2 का वैल्यू निकलेगा। इसके पहले सॉल्व करके I1 की वैल्यू ज़रूर निकाल लें। I1 कौन है? ये है। फिर I1 और I2 दोनों की वैल्यू को यहाँ रख के सॉल्व कर लें, आपका फाइनल आंसर I का आएगा।